अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महबूब हबीब भुट्टर। तो मैं जा रहा हूँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने, तो दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। तो आए आपको भी लेके चलता हूँ। आका दो जहाँ महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ, तो आए आपको भी लेके चलता हूँ। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए बने, दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जब मैं लास्ट टाइम आया था, ये शॉप्स खुली हुई थी। कोरोना वायरस के बाद जो है ना, बहुत सारी शॉप्स और दुकानें बंद हुई हैं। जब आप मदीना शरीफ में चल रहे हों, तो ये तसव्वुर कर लिया करें कि इन्हीं गलियों में मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम चले, इन्हीं गलियों में आप गुज़रे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे हैं, उन गलियों में अब तक है खुशबू पसीने की। इन्हीं गलियों से मेरे आका जो है गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मिल रही है कि हम उन गलियों की ज़ियारत कर रहे हैं। मस्जिद नबी शरीफ में हम खड़े हैं, ये दरवाज़ा नंबर 365 शरीफ के सामने वाला है। गुंबद खजरा सामने, बरदो जोली मेरिया मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका ताहो बन के आया दर पे सवाली। मदीना मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की देखो तमन्ना मुद्दतों से है, जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, वजन के दम कदम से सुबह हम मुझे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं। तमन्ना कल्बे मुज़दर की محمد ये गेट नंबर एक है बाबू सलाम, यहाँ से दाखिल होना है। गेट नंबर एक बाबू सलाम से। मदीना मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل वैसे तो मदीना सारे जन्नत का टुकड़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां अल्लाह का हिफाज़ है। हां ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं इमामत करवाते हैं। ये एम टी है।
सौ लेवल से गुजरे मुबारक पर जो है तो उसका तर्जमा ये है कि लोगों मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊँची ना करो, अगर करोगे तो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और उसका शोर भी नहीं होगा। ये सौ सौ ابو پہ امی پہ بھائیوں بہنوں چاچو چاچی خالو خالہ سب پہ اپنا ایسا سلام کرم فرما دیجیے، نظر کرم فرما دیجیے۔ یہ باب بکی جو ہے گیٹ نمبر 41، یہاں سے ہم بابل بکی ہے کلیزہ ہے حجی۔